morning. Today we'll start with the chapter number 11, the first battle for independence. With the passage of time, the Indian rulers, soldiers and peasants started to express the resentment of British domination. समय बीतने के साथ साथ जितने भी इंडियन रूलर यानी के इंडियन शासक यानी के राजा थे, सैनिक थे, पेजेंट्स होते हैं किसान, उन्होंने अपना रिसेंटमेंट यानी के अपनी नाराज़गी ब्रिटिश डोमिनेशन जो ब्रिटिश राज्य था उसके लिए दिखानी शुरू कर दी. सम ऑफ द कॉजेस दैट कॉज that generated unhappiness among Indians have been discussed below. कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये नाराज़गी थी, वो कारण आज हम डिस्कस करेंगे. Political cause यानी कि राजनैतिक कारण. Indian soldiers, sepoy in armies were replaced by British army and soldier leading to unemployment. Sepoy या soldiers होते हैं सैनिक, तो जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको रिप्लेस कर दिया गया ब्रिटिश सैनिकों से. आपने लेसन 10 में पढ़ा था ना कि ब्रिटिश सैनिकों को रखकर इंडियन सैनिकों को हटा दिया गया जो भारतीय सैनिक थे. तो इससे क्या हुई, अनएम्प्लॉयमेंट यानी के बेरोजगारी. द इंडियन रूलर वर फोर्स टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कॉस्ट. और जो इंडियन राजा थे, जो भारतीय राजा थे, उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं, ब्रिटिश ट्रूप यानी कि ब्रिटिश सैनिक जो हैं उनका खर्चा जो राज्य है वो उठाएगा. सोशल कॉज यानी कि सामाजिक कारण. द ब्रिटिश वर ट्रीटिंग द इंडियंस इन सेकेंड रेट सिटीजन इन देयर ओन कंट्री. जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों को उन्हीं के देश में बहुत ही गलत व्यवहार, उनसे कमतर व्यवहार, सेकेंड रेट यानी कि अपने से नीचे मानते थे. दे वर ऑल्सो कीन ऑन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी अक्रॉस इंडिया. कीन होता है उत्सुकता, और वो बहुत उत्सुक थे यानी कि बहुत एगर थे क्या करने के लिए, टू स्प्रेड. स्प्रेड होता है फैलाना. क्या फैलाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म. और जो वो क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं. जैसे कि हमने लेसन नंबर 10 में पढ़ा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडिंग और मिशनरी की तरह से आए थे, ट्रेडिंग यानी कि व्यापार के लिए, और मिशनरी वो होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं यानी कि लोगों को बताते हैं कि क्रिश्चियन धर्म की ये शिक्षा दीक्षा है तो आप ये धर्म अपनाइए. इकोनॉमिक कॉज यानी कि रिलेटेड टू मनी. एज द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द इंडियन मार्केट they were forcing their policies on traders. जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट पर कंट्रोल किया, जो बाकी व्यापारी थे, ट्रेडर्स होता है व्यापारी, उन्होंने उन पर गलत पॉलिसीज जो है ना वो अप्लाई करनी शुरू कर दी. द पावर ऑफ इंडियन लैंडलॉर्ड्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम एंड इंडियन आर्टिसंस वर आउट ऑफ वर्क. जो ताकतें थी इंडियन लैंडलॉर्ड्स यानी कि भारतीय राजाओं की, ज़मींदारों की, राजाओं की, वो सारी ताकतें उन्होंने उनसे ले ली. इंडियन आर्टिसन जितने भी कारीगर थे जो छोटा मोटा हाथ का काम करते थे उनके पास कोई काम नहीं रहा. द इंडियन इकॉनमी वॉज इन शैम्बल्स. शैम्बल्स होता है खंडर हो जाना. जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी यानी कि ख़त्म हो चुकी थी. ड्राइविंग मिलियन ऑफ पीपल इन टू पॉवर्टी. ड्राइविंग होता है ले जाना, और अर्थव्यवस्था के ख़त्म हो जाने की वजह से लाखों लोग गरीबी में चले गए. इमीडिएट कॉज यानी के उसी क्षण का, क्षणिक रीजन, उसी पल का क्या कारण था. द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एनफील्ड राइफल इन इंडियन आर्मी. ब्रिटिशर्स ने एक नई एनफील्ड राइफल इंडियन आर्मी को दी थी. सी, इंडियन आर्मी रिप्लेस कर दी गई थी लेकिन सारी रिप्लेस नहीं करी थी. काफ़ी पार्ट उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से रिप्लेस कर दिया था, और थोड़े बहुत इंडियन आर्मी थी, और वो भी जो ब्रिटिश सैनिक है ना उनको असिस्ट करती थी यानी कि उनके काम करती थी, और बाकी जो ब्रिटिशर्स है ना उनका देखरेख करती थी. इंडियन आर्मी को हटा दिया गया था लेकिन कम्प्लीटली नहीं हटाया था. द कार्ट्रेज ऑफ दीज राइफल वर ग्रीस्ड विद एनिमल फैट. कार्ट्रेज होता है कारतूस
यानी कि जो राइफल के अंदर भरा जाता है ना, आप समझ लीजिए गोलियां, जैसे अब तो जो रिवॉल्वर होता है उसमें गोलियां होती हैं, लेकिन राइफल में ना पहले गन पाउडर भरा जाता था, जिसको हिंदी में कारतूस कहते, कार्ट्रिज। वो कार्ट्रिज के अंदर ग्रीसिंग थी, यानी कि एक चिकनाई थी, और वो किस चीज़ की थी? एनिमल फैट की, यानी कि जानवरों की चर्बी की। सिंस द कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिज हैड टू बी बिटन ऑफ यूजिंग द एनफील्ड राइफल हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। जो ये कार्ट्रिज थी उसको मुंह से काट के अलग करना पड़ता था, सो इसीलिए जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं, रिलीजियस होता है धार्मिक, सेंटिमेंट होता है भावनाएं, सो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, और ये सभी कारण थे नाराज़गी के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, सो रीड पेज नंबर 76 एंड प्रैक्टिस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स।